हेलो, ये चिरकुट हाय हेलो करने के लिए फिर से फोन नहीं किया, पैसे कब दे रहा है बोल। देखिए, मैं पुरुषोत्तम का पिता बोल रहा हूँ, रमाकांत जोशी। दरअसल पुरुषोत्तम के पास इतने पैसे नहीं है। क्या नाम बोला तूने? जी, रमाकांत जोशी। आप पहले ईरानीवाड़ी में रहते थे क्या? जी हाँ, लेकिन अरे जोशी काका, मैं गजलुल रहमान, आपका गजलू। गजलू? अरे गजलू, गजलू बेटा, इतने सालों बाद। हाँ, याद है ना? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो बचपन से ही आउटलाइन का लड़का था। लेकिन इतना बड़ा गुंडा बनेगा ये कभी नहीं सोचा था, वो भी एनआरआई। क्या काका आप भी? अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तेरा गजलों का शौक अभी भी है कि नहीं? अरे वो कैसे छूट सकता है काका, अभी दो दिन पहले ही मेरे घर पे जगजीत सिंह का प्रोग्राम रखा था ना। क्या बात कर रहा है? और क्या, पहले तीन गानों के लिए सर पर घोड़ा लगाना पड़ा, फिर बाद में वो मूड में ही चला गया। तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे कितनी बार समझाया कि ये रिस्क वाला काम मत किया कर रहे। अरे कैसे छोड़ू काका, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन? लेकिन आज लोचा हो गया काका। क्यों, क्या हुआ? आपके घर पे फोन किया, आपके गजलू को माफ कर दो, गलती हो गई। माफी क्यों मांग रहा है, मैं समझता हूँ। वैसे काका, आपको कोई तकलीफ विकलीफ दे रहा है तो बोलना। तकलीफ? तकलीफ तो दोनों दे रहे हैं। कौन दोनों? एक आर्थराइटिस और एक अस्थमा। काका तकलीफ मतलब भाई लोग की तकलीफ। अरे नहीं, हम लोगों को ऐसा क्या। खैर फिर भी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। काका अभी फोन रखता है क्या? बाय लागू। अच्छा बेटा जीते रहो। पापा आप नहीं होते तो मेरा तो 1 करोड़ गया होता ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, रखवाली करना मेरा काम है, आखिर वॉचमैन जो हूं। अरे मैं कह रहा हूं ना, पुरुषोत्तम की शक्ल देखने लायक थी, एकदम कोडेक मोमेंट। बोला बाबा आज के बाद मांग कर सिगरेट नहीं पिएंगे। ऑसम डूड, एकदम हाई फाइव। तूने भी क्या आवाज निकाल कर बात किया। फुल विकेट गई होगी ना पुरुषोत्तम की? अरे बिल्कुल, मैंने तो इतना डरा हुआ उसे सुहागरात वाले दिन भी नहीं देखा था। लेकिन काका तेरा बेटा तो तेरे से भी ज्यादा डरपोक निकला। अरे मैं तो दो बार सोचता, वो तो एक पांव पर खड़ा हो गया 1 करोड़ रुपया देने के लिए। यार तैयार हो गया? हाँ। क्या टेप लगा रहा है? नहीं सच कह रहा हूँ, बोला कि पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। तुम देखते ना बात करते उसे। काका 1 मिनट, वो 1 करोड़ देने को तैयार है, पुलिस के पास भी नहीं जाएगा। काका की फाइल में भी तो पुरुषोत्तम का हिसाब किताब कुछ 1 करोड़ ही बनता है ना। तो क्यों नहीं, मतलब हेलो ब्रदर, क्यों नहीं हम? सीन लाउड हो रहा है, फोन करके बचाई ना उसकी। डूड सिगरेट का पैकेट जेब में लेकर शाइनिंग कर रहा है ना, तो बस इस आइडिया को ना इधर ही धन्यवाद करो। क्या तुम लोग एक्चुअली एक्सटॉर्शन के बारे में सोच रहे हो? अरे एक्सटॉर्शन नहीं यार, इन्वेस्टमेंट है जो मेरे बेटे पर मैंने की है। तो डूड एक्सेप्ट करो कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट डूबती भी है। इतना अच्छा मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, तू जो है। देखो भाई, अगर मेरी शादी प्रिया के साथ नहीं हुई ना, तो मेरी जिंदगी भी तेरी तरह झा के बाट हो जाएगी। पैसे की जरूरत मुझे भी है, लेकिन इस तरह धमका के पैसे निकालने वाले हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। ठीक है रे, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे ठीक कह रहा है ना, जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत जाने से बेहतर है कि अपनी कमाई चले जाए। और वैसे भी पुरुषोत्तम का डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा 1 करोड़ रुपया वसूल हो गया। वैसे डूड नाम माइंड ब्लोइंग था ना, गजल रहमान। माइंड ब्लोइंग कहाँ से मिला? बांग्लादेश के किसी क्रिकेटर का नाम है। बात कर रहा। वैसे उसका नाम फजल है, अब इतने इफेक्ट के लिए गजल कर डाला। मुझे माफ कर दे टोबू, मैं टाइम पे तेरे पैसा लौटा नहीं पाया, मुझे माफ कर दे टोबू। टोबू बोलता है कोई माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी। सजा? कौन सी सजा? टोबू बोलता है टोबू की बात नहीं सुनी, इसके लिए तेरे कानों को सजा मिलेगी। कानों को? इसके कान काट दो। नहीं टोबू, मेरे कान मत काटो, मैं अंधा हो जाऊंगा टोबू। तेरे कान काटेगे तो तू अंधा कैसे होगा? नहीं, मेरे कान कट जाएंगे तो चश्मा कैसे लगाऊंगा टोबू? करेक्ट। सॉरी, इसके कान काटो। नहीं, मुझे माफ कर दो टोबू। अरे गिटार वाले भाई साहब, आप तो कुछ कहिए।
प्रेम कुछ कर रहे छोड़। आओ प्रेम आओ। चलिए अपना ही मेंबर है ये, दूसरा है ना म्यूजिक वाला, मैंने आपको बताया था ना इसका सॉलिड बंगलो है। टोबू जी मैं बताता हूँ, फिर से कीजिए प्लीज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। समझा। रिमिक्स। चुरा लिया। बोलता है ये नाच गाना बंद करो। तो बोलता है क्या बोलता है? तो वो बोलता है 5 लाख लोगे, वो कब और कैसे लौटाओगे? टोबू जी बस एक बार इसकी कार रेस में उतर गई ना तो गारंटीड 5 का 50 हो जाएगा। हाँ तो वो बोलता है तुम बाहर में जाओ, तुम दो पुंद्रों के लिए फाइनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि डोबू ऐसे फालतू फर्नीचर घटिया खटारा कार के लिए। तू क्या कर रहा है? अपनी जबान को लगाम दे। चल दिखाता हूँ तुझे। देख स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रिपल हॉर्स पावर नाइट्रो जेट इंजन कॉन्सेप्ट कार। डोबू बोलता बाकी की गाड़ियां कहाँ है? डोबू ये सब खूबियां एक ही घड़ी में है रे। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, लोग फॉर्मूला कार बनाते हैं, मेरे कार में फॉर्मूला बनाया है। ये देख नाइट्रो एक्सेलरेशन जूम बटन, इसको दबाते ही इस गाड़ी की स्पीड तेरी गन की गोली से ज्यादा हो जाएगी। तो ये कार एक मिसाल है और स्पीड में मिसाइल है, इसको रेस में उतार देगा ना तो ये नोट छापने की मशीन है मशीन। देखा गोली, सुन के तेरा बॉस कैसे एक्साइटमेंट में डांस कर रहा है। सर से लेके पांव, पांव, अरे पांव, अरे हटाओ, अरे पांव, अरे अरे हटाओ, नहीं पांव, हटाओ। तो बोलता है लोन पास। दो ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? मैं क्या करूँ राम मुझे पुट्ठा मिल गया। साहब यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या बाजा? ओ मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? ना कर। ए राजू मैम साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मैम साहब क्या चाहिए आपको? एक गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल 7 रुपए 50 पैसे। एक ग्लास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ ये बात है। हाँ ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। सब खत्म। ये लो
786 रुपए फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूँ। विजय श्रीवास्तव। जी 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 अंडे। जगन? हाँ, ये तो अपना जगन जैसा ही दिख रहा है। ये गेट कॉलेज है, थोड़ा मदद करना चाहिए। क्या देखता आप हमको? कुछ नहीं सेठ, वो तुम्हारा शक्ल अपना बस्ती में एक जगन करके उससे बहुत मिलता है। वो शक्ल इसलिए मिलता है क्योंकि आदमी मिलता, नाम मिलता। आजकल दुनिया हमको जैक्सन बोलता। अरे जगन, ये तेरा जगन रे, तेरा जगन। अरे लेकिन सर पे इतना बाल किधर से आया? ये जब माल आता तो टकले पे बाल भी आता रे। ये मेरे को जू पे पार्क बंगल में चौटता क्या? हाँ चल बैठ जा, बैठ जा, बैठ बैठ। मगर ये सब हुआ कैसे? ए, लॉटरी लगा क्या? ये लॉटरी नहीं जी, लॉटरी का बाप लॉटरी लगा मेरे को। मेरा एक दोस्त दो नंबर का धंधा करता है। हम उसको बोला यार मेरा थोड़ा मदद करना, हम तकलीफ में। वो मेरे को लगा दिया, हम लग गया काम पे जी। ये केला के धंधे में हम बहुत थक गया जी। रात को काम में बड़ा बड़ा केला दिखता मेरे को। ये परसों एक आदमी का पैसे में हम बहुत घपला किया कि 15 लाख रुपया मिला वो मेरा अंडर। 15 लाख? उसके बाद में हम एक बंगला लिया। बंगला? उसके बाद में हम एक बेंज लिया। मर्सिडीज? आल्टो। अयो मुर्गा, ये चोट उस्ताद। हाँ। ये टैक्सी को तुम चोर बाजार में बेच देना चाहिए। हम तुमको 2 नंबर का आदमी एक दिन में बनाता। तुम सिटी का टॉप ड्राइवर ना, डेंजर डायबॉलिक। हमारे से 10 मिनट आगे जाएंगे ना तुम। बोल दिया? बोल। दोबारा ऐसे नहीं बोलना। ये काई को नहीं बोलना जी। ऐसा हाथ मारूंगा कि मुंह में जितना असली दांत है वो तो बाहर गिर जाएगा, दोबारा नकली दांत भी फिट नहीं होगा। समझा? समझ गया। ये टैक्स का भाड़ा कितना जी? अबे चल भाग यहाँ से, बड़ा पूछता। चल भाग। अरे चाट उस्ताद, हम कड़की में कितना पैसा तुम्हारे से लिया जी है? आप भी मेरे पास बहुत पैसा, आप लेना पैसा। चलो 10 रुपए निकालो। ये 100 रुपए पकड़ो जी। ये ले अपने 90। हो जगन, हो, हो। अबे ये 90 रुपए तो लेता जा। आप मेरा फ्रेंड जी, आप रखना ये 90 रुपीज टिप। अरे वो, अबे सुन, टिप नहीं चाहिए। ठीक है, डैशबोर्ड में रखा 90 रुपए, कभी कड़की छा जाएगी तो आके निकाल लेना। ए चाचा। हाँ। ये सामान किसका आ रहा है? अरे वो झोपड़ा खाली था ना। हाँ। वहाँ कोई नई भाड़ उतरने को आई है। चलो अच्छा है, बहुत दिनों से मकान खाली था। अरे राजा आ गया। नमस्ते रहीम चाचा। अरे ना तार ना चिट्ठी है। अरे मुझसे कहता मैं लेने चला आता। भैया मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। क्या देना चाहता? सरप्राइज। देख बिड़ू। हाँ। ये सर क्या होता है अपन को मालूम है, प्राइस किस चीज का कितना होता है ये भी अपन को मालूम है, लेकिन ये सर का प्राइस क्या होता है ये अपन को नहीं मालूम। ये आप भी। भैया मैं आपको चौंका देना चाहता था। अच्छा हाँ, चल बाबा चल, चल। मैं चौंक गया। चल ए, तेरा इम्तिहान कैसे हुआ? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास हुआ ना? वो पेपर पर होते हैं वो कैसे हुआ? बहुत अच्छे। अरे जी मेरे राजा। अरे तेरा नंबर क्या है राजा? ए चाचा ए, ये मेरा भाई है, कोई टैक्सी नहीं है कि नंबर लगाओ। अरे छोटू, इम्तिहान में 3 नंबर होता है ना। अच्छा 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 भाई, मुझे क्या मालूम क्या होता है। क्या नंबर है भाई? वो मेरा नंबर है 3782। ये मेरी डायरी में लिख देगा। अरे ओ झाड़ू वाले। कौन जी झाड़ू वाला? ये टाइम ने हमारा किस्मत पे झाड़ू फेर दिया तो क्या हम झाड़ू वाला बन गया? अरे माफ करना भाई साहब, आपकी सूरत एक जान पहचान वाले से मिलती जुलती है। ये सूरत क्या जी,
आदमी भी मिलता। अरे अरे तू जगन है? अरे मगर तू झाड़ू क्यों मार रहा है? ये गवर्नमेंट ने हमारे घर में ऐसा झाड़ू मारा कि हम झाड़ू वाला बन गया जे। अरे लेकिन वो गाड़ी, वो कपड़ा, वो बाल सब किधर गया? ये माल आया था तो बाल भी आया था, माल गया तो बाल भी गया। आज हमारा हालत खराब जे। अरे पर हुआ क्या? ये गवर्नमेंट हमारा घर में छापा मारा, मेरा कपड़ा, जेवर, बर्तन सब ले लिया, बंगला भी ले लिया। वो पुराना घर था ना, वो तो हम पहले से बेच दिया ना, आजकल गटर का पाइप में रहता। ये एक दिन में अमीर से गरीब बना देना, ये अच्छा काम नहीं गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट क्या करता आपको कुछ मालूम नहीं जी। ये म्यूनसिपालिटी का स्ट्राइक हुआ तो मेरे को 5 रुपए डेली पे झाड़ू मारने का काम मिला। ये 2 दिन से अब कुछ नहीं खाया जी, मेरा बड़ा बच्चा लोग भी कुछ नहीं खाया, औरत भी कुछ नहीं खाया। ठहर जा। याद है एक दिन 90 रुपए टिप दिया था तूने मुझे? याद। ये ले, संभाल के रखा था तेरे लिए इसी दिन के। और कान पकड़, तोबा कर इस काम से। हम तोबा करता जी, तुम आदमी नहीं देवता हमारे लिए। ये 90 रुपीज नहीं, 90,000 मेरे लिए। अरे 90 रुपए के केले खरीद लेना, फिर उल्टे सीधे काम शुरू करेगा।